अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईमान फातिमा और आप देख रहे हैं सन टीवी। आज की ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन किया है 9X फेयरनेस क्रीम ने। तो देखते हैं पहले एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सन टीवी। अरे सुधा, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? तुम्हें चाहिए 9X। चेहरे पे रौनक लाइए सिर्फ 9 सेकंड में। फॉरेन पासपोर्ट दैट साइड मैम। तुसी की कह रहे हो जी? आज ही 9X अपनाइए। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम आपको मिलवा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रायकवतीन पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद के प्रिंसिपल मैडम साइमा एजाज से। प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं मुनव्वर अली कादरी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कॉलेज की कुछ तस्वीरी झलकियाँ। आज हमारे साथ हैं गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज फॉर गर्ल्स पीपल्स कॉलोनी की प्रिंसिपल मैडम साइमा एजाज। तो आज हम इनसे ना कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जी मैडम, सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में बताएं कि आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ सर? मैंने अपनी MSc की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से होम इकनॉमिक्स में और टिप्टम में 2011 में आई थी। और मेरी जॉब एज अ प्रिंसिपल ही है और मैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही मैंने वर्किंग की है और इस अदारे में आए हुए मुझे 1 साल हो गया है। आपकी जब अभी आपने बताया कि आपकी एजुकेशन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है जबकि आप यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग को डील कर रही हैं, तो ये किस तरह आप मैनेज करती हैं? सर चूँकि मेरी डिग्री होम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो उसमें टेक्सटाइल भी है और गारमेंट्स भी है और फैशन डिज़ाइनिंग भी है। और यहाँ पे जो टेप्टा के कोर्सेज़ हैं, यहाँ पर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग करवाई जाती है ड्रेस डिज़ाइनिंग और ड्रेस मेकिंग, जो हमारा 3 साल का डिप्लोमा होता है। ये रेलिवेंट ही है मेरी एजुकेशन से रिलेटेड, बल्कि मैंने यहाँ से सीखा भी बहुत कुछ है। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ पर DACIT होता है जो कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और दोनों जो है ये FSC के इक्विवेलेंट हैं। GTM FA के इक्विवेलेंट है और जो CIT वो FSC के इक्विवेलेंट है। आप क्या देखती हैं कि इस फील्ड में जो नई लड़कियां आ रही हैं उनका मुस्तकबिल में क्या फ्यूचर है? सर जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, मैट्रिक के बाद जैसे स्टूडेंट्स FA पास हैं और उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो वो BA सिंपल कर लें या उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहती कोई। लेकिन टेक्निकल एजुकेशन के बाद कम अज़ कम वो फील्ड के अंदर मिनिमम भी सर हम लगाएं तो 25,000 से कमाना शुरू होती है इंडस्ट्री के अंदर उनकी जो डिमांड है। फ़र्ज़ करें किसी के पेरेंट्स उनको नहीं अलाउ करते, सारी बात है सोसाइटी है, लोग बाहर जाते ही भी नहीं है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक ऑप्शन है कि वो अपना बिज़नेस खुद स्टार्ट कर सकती हैं। टेक्सटाइल से रिलेटेड जो बच्चियां हैं, जो DDM से रिलेटेड हैं, वो अपनी स्टिचिंग कर सकती हैं, सैंडविच बना सकती हैं, बल्कि बैकग्राउंड पे हमारे लगी भी हुई हैं वो बहुत अच्छी, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो ऑनलाइन सेल करते भी हैं सर इन चीज़ों को। तो एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो कमा, मतलब एक तो एजुकेशन FA की इक्विवेलेंस हो जाएगी, साथ में उनके पास एक हुनर आ जाएगा जिसकी बेस पर वो कमाई कर सकती हैं अपनी। अच्छा, ऐसे है कि बहुत सारे गर्ल्स जो इस फील्ड में आना चाहती हैं लेकिन मौजूदा हालात के तनाजन में, इंडस्ट्री के बिल्कुल फ्लॉप होने में या बिल्कुल बैठ जाने की सूरत में उनकी ग्रो नहीं यहाँ पे हो रही, तो उसके पे आप क्या कहना चाहती हैं? सर देखिए, हर चीज़ मेरी पहली बात की ना, इंडस्ट्री पे अप्रोच मुश्किल भी है। मेरे पास बच्चियाँ आती हैं, ज़री बात है उनकी टाइमिंग्स थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, जैसे मॉर्निंग में उनको निकलना पड़ता है, शाम 5 बजे तक उनकी वापसी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडस्ट्री से ही लिंक अप हों, वो अपना ओन बिज़नेस भी कर सकती हैं। हाँ, अगर इंडस्ट्री से उन्होंने लिंकअप होने, हमारे कई पास आउट स्टूडेंट्स हैं जो इंडस्ट्री के अंदर एज अ फैशन डिज़ाइनर वो काम कर रही हैं और वो अपनी जॉब आज से खुश भी हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स खुद क्या चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी ये सोशल हमारी इकोनॉमिकल लेवल जितना लो जा रहा है उसमें अपने आप को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, जब तक हम अर्निंग खुद से नहीं करेंगे।
कि यहाँ पे कोई नई लड़की जो एडमिशन लेना चाहती है तो उसका क्या तरीका कार है और कैसे वो इसमें एडमिशन ले सकती है? सर, हमें जो रिक्वायर्ड है मैट्रिक पास स्टूडेंट्स जो आर्ट्स के साथ हों या साइंस के साथ हों, जो साइंस के साथ स्टूडेंट्स हैं वो CIT के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और जो आर्ट्स के साथ हैं वो DDM के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। सीट्स हमारी रिजर्व होती हैं, 50 सीट्स हमारी DDM की हैं, 25 CIT की सीट्स हैं। और वेरी सिंपल है, इसमें मैट्रिक सर्टिफिकेट्स की कॉपीज लगती हैं, चूँकि अभी रिजल्ट नहीं आया तो 9th की बेस पर भी एडमिशन हो सकता है और साथ में एक होप सर्टिफिकेट हमें जमा करवा सकते हैं। 8 तस्वीरें लगेंगी इनकी, साथ में CNIC की कॉपीज लगेंगी, तो बहुत ईजी है इसमें एडमिशन करवाने का। अदारे को क्या क्या मुश्किलात पेश हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को मुश्किलात हो रही हैं? सर, मुश्किलात तो नहीं कह सकते, सिर्फ हॉर्नों की कमी है। जैसे पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं तो उनको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है कि ये सिर्फ सिलाई कढ़ाई का अदारा नहीं है, स्पेसिफिकली यहाँ पे एक डिग्री प्रोग्राम करवाया जाता है, तो लोगों तक ये अप्रोच करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी भी लोग यही समझते हैं कि शायद ये अदारे जो हैं ये मतलब इस तरह है जैसे सिलाई कढ़ाई है, 6 months के कोर्सेज को प्रेफर किया जाता है। लेकिन जब वो लोग विजिट करते हैं, यहाँ पे लैब्स देखते हैं, काम देखते हैं, देन वो रियलाइज़ करते हैं कि ये बाकायदा FA के इक्विवेलेंस डिग्री है। तो मुश्किलात तो नहीं कह सकते, लेकिन लोगों तक अपना मैसेज कन्वे करने में हमें थोड़ा सी प्रॉब्लम आती है। तो लेकिन जब वो पेरेंट्स यहाँ पर विजिट करते हैं, अपनी आंखों से उन चीज़ों को देखते हैं, तो देन उनको रियलाइज़ होती हैं ये चीज़ें। आने वाली लड़कियों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहती हैं कि वो इस तरफ अगर आएँ तो कैसे आएँ? देखिए, स्टूडेंट्स रवायती एजुकेशन से थोड़ा डिस्टर्ब हैं। जैसे हमारे पास अभी चूँकि एडमिशन्स चल रहे हैं, एक दो स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ये कहते हैं कि हमने साइंस पढ़ के हम थक गए हैं, अब हम नहीं पढ़ना चाहते। तो रवायती एजुकेशन से हटकर अगर वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आएंगे तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ने हमें, टेप्टा ने, हमारे सीनियर डायरेक्टर जनरल भरवाना साहब हैं, उनकी कोशिश से, बहुत कोशिश के बाद हमें बस भी मिली है, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सर आजकल के दौर में फीसेस पे करना, पिक एंड ड्रॉप करना लोगों के लिए मसला मसाइल है। तो ये भी गुड न्यूज़ है कि उन स्टूडेंट्स के लिए, कि उनके लिए बस की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है, उनको इजीली पिक एंड ड्रॉप किया जा सकता है। यहाँ पे दाखिला लेती है तो उसके अंदाजन फाइनेंशियल चार्जेस क्या होंगे जिस पे वो इस डिग्री को मुकम्मल कर सकती है? देखिए, एनुअल फ़ीस होती है, अभी जो करंटली हमारे पास है उसमें ये है कि हमने उसका 1/3 part लेना है, क्योंकि 9th बेस के ऊपर हम उसके एडमिशन्स कर रहे हैं। तो जो एनुअली फ़ीस है वो 12,750 rupees है, और फिर हम जो नीडी स्टूडेंट्स हैं सर, उनके हम हेल्प आउट भी करते हैं, यहाँ पर टीचर्स उनको थोड़ा सा कॉपरेट भी करते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल यहाँ पर फ्री दिया जाता है, जो वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाते हैं वो हम यहाँ पर उनको प्रोवाइड करते हैं। महकमा सोशल वेलफेयर कोई सपोर्ट करता है? नहीं सर, महकमा सोशल वेलफेयर में टेप्टा खुद एक अदारा है, वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं और उनको जो भी हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनते हैं ट्रेनिंग मटेरियल के नाम पे, वो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। कोई और अदारा हमें फंडिंग नहीं करता, टेप्टा इटसेल्फ स्टूडेंट्स के लिए करता है। आप अपना कोई पैगाम आने वाली लड़कियों को देना चाहती हैं? मेरा एक ही मैसेज होगा स्टूडेंट्स के लिए भी कि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमने रवायती एजुकेशन नहीं लेनी है, हमने सिंपल FA नहीं करना, सिंपल FSC नहीं करनी। उन सबसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा अदारे को आके ज़रूर विज़िट करें, वो डेफिनेटली अपने माइंड को चेंज करेंगी। 6 months के कोर्सेज हो गए, 1 year के कोर्सेज हो गए, उस पर आप लर्निंग कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई डिग्री नहीं होती जब तक कि आप DAE डिप्लोमा नहीं यहाँ पर करते हैं, जो कि इक्विलेंस भी है। आपके पास ऑप्शन निकलते हैं कि आया आप अपनी जॉब करना चाह रही हैं, आप अपना बिजनेस करना चाह रही हैं, या फर्दर एजुकेशन करना चाह रही हैं। DDM के बाद BA फाइन आर्ट्स में भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, CIT के बाद आप किसी भी BSc में एडमिशन ले सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द जनरल एजुकेशन, मुझे यही पैगाम है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।